हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू क्या बात है चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंसेस, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है हमारा। दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ लोधा अमारा कुलशेट के बारे में बोलने वाले हैं। तो कुलशेट में जितने भी लोधा अमारा के बाजू में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ से जो स्टेशन तक जाने का जो खर्चा होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि नॉर्मली कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो सभी अंधेरी साइड में है, तो यहाँ से आए ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे जो फ्लैट्स लेते हैं वो लोग अंधेरी ट्रैवल करते ही है। एटलीस्ट घाटकोपर तो ट्रैवल करते ही है, घाटकोपर से फिर अंधेरी जाते हैं। तो एक नॉर्मल जो खर्चा है जो यहाँ से स्टेशन तक का, तो वो एक्चुअली यहाँ पे फ्लैट लेने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है तो ये खर्चा थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा। सो ये रूटीन खर्चा होना ही है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लोधा अमारा, मैं तो लोधा में रहता हूँ, तो लोधा अमारा के बारे में बोलता हूँ मैं। लोधा अमारा के एग्ज़िट डोर पे बस स्टॉप है, बसेस अवेलेबल है स्टेशन के लिए, और बसेस का कुछ फेयर है 15 रुपीज़। तो बट टाइमिंग्स थोड़ा एडजस्ट नहीं हो जाता, यानी हम लोग का टाइमिंग्स जो है मॉर्निंग में 7:15 का एक है बस, बट उसके बाद वो टाइम पर आता नहीं है। यानी या तो जो वो टाइमिंग क्लैशेस काफ़ी होते हैं बसेस के, हम लोग जब ऑफिस जाना चाहते हैं वो टाइम पे बसेस अवेलेबल नहीं होती। बट एग्जिट डोर पे शेयर ऑटो आपको मिल जाएगा। शेयर ऑटो जो है वो राउंड ट्रिप का, या तो वन साइड का जो है यहाँ से थाने स्टेशन तक का, वो भी शेयर ऑटो में 40 रुपीज़ पर सीट होता है। तो वो वहाँ पे आपको 40 रुपीज़ का खर्चा आ जाएगा, वो भी वन साइड का। तो राउंड ट्रिप आपको 80 रुपीज़ तो हो ही जाता है। क्योंकि डायरेक्ट अभी वहाँ से अगर आप देखोगे स्टेशन से, तो इधर आपको थोड़ा आगे जाके ये कुलशेट रोड तक आने के लिए आपको ऑटो पकड़ना पड़ता है। कुछ 5-10 मिनट्स चलना पड़ेगा वॉकिंग, वरना स्टेशन से भी अवेलेबल है। एक स्टॉप है माझीवाड़ा, तो आपको स्टेशन से माझीवाड़ा 20 रुपीज़ होगा। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाके कुलशेट रोड पे जाना हो तो कुलशेट रोड नाके से आपको एक शेयर ऑटो मिल जाएगा, जहाँ पर 20 रुपीज़ शेयर का होता है। बट अगर आप शेयर नहीं करते और डायरेक्ट चलते हो, तो अभी मेरे लोधा हमारा तक ही 100 रुपीज़ हो जाता है। तो वो थोड़ा, आप अगर यहाँ पे फ्लैट लेते हो तो वो सब सोच के रखो, वो सब सोच के चलो। क्योंकि हमें फ्लैट एम्यूनिटीज़ ये सब देख के हम लोग आ तो जाते हैं, बट ये सब डेली रूटीन के जो खर्चे हैं वो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये पैरेलल रोड जो है कुलशेट के आगे गोड़बंदर रोड भी है, तो वहाँ पे भी यही सेम यही है। शेयर ऑटोज़ काफ़ी कुछ है, काफ़ी मिल जाएंगे, अवेलेबल काफ़ी है। ट्रैवलिंग का इशू नहीं है, बट एक है कि एक्सपेंसेस है। तो वो डेली रूटीन एक्सपेंसेस जो आप करेंगे वो आप ध्यान रखो इधर। बस दैट्स इट आज का। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऐसे ही हम लोग वीडियोस कुछ ना कुछ आपको डालते रहेंगे। और चलो, वही हमेशा की तरह, हमारे वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं होते, हम लोग ज़्यादा रखते भी नहीं है। क्योंकि लोग ज़्यादा वीडियो देखना, बड़े बड़े वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते। तो क्या बात है, क्या और बात है? हम लोग ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। थैंक यू सो मच।